Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my another video. I hope you guys are safe and doing great. So guys, in this video I share you this type of makeup look. और ये वाला look ना आप कहीं किसी भी party में as a guest अगर जा रहे हो ना आप तो वहाँ पे वाला makeup look create कर सकते हो. And the most important thing होलियाँ आ रही है guys, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए. So happy होली all of you in advance. और अगर होली में ना आप किसी friend के घर मिलने जा रहे हो तो भी आप ये वाला look create कर सकते हो. And अगर शाम को होली में अगर फ्रेंड गैदरिंग होती है ना तो वहां भी ये वाला लुक आप क्रिएट कर सकते हो. सो दिस मेकअप लुक इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द बिगनर्स बिकॉज ना इसको देख के वो बहुत ही इजी वे में ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं या फिर और कोई सा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं. एंड बस इतना सही था मेरा प्रवचन. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेसियल सीरम और ये बहुत ही अच्छा फेसियल सीरम है गाइज. आप ना इसे ज़रूर ट्राई करना अगर आप मेकअप लवर हो तो. एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का प्राइमर और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. अगर आपके पास प्राइमर ना हो ना तो आप इसकी जगह मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो. देन मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज ये फाउंडेशन और ये ना मेरे शेड से थोड़ा सा लाइट शेड था तो बिल्कुल अपने शेड से मैच करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बीबी क्रीम मिक्स किया है एंड देन फेसियल सीरम मिक्स किया है. और इसके बाद जो मतलब ये फाउंडेशन बना है ना गाइज वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बन के निकला है और बहुत ही अच्छा कवरेज दिया इसने मेरे पूरे लुक को. एंड देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बिल्कुल सेट कर ले रही हूँ. नाउ आई फील माई आईब्रोज और ये पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर की है और इसे मैंने पर्पल से बाय किया था और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. आई थिंक 65-70 के अप्रॉक्स ये वाली पेंसिल है और ये ना बहुत ही अच्छी पिगमेंटेड है, काफ़ी अच्छी है और इससे आप ईजिली अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो. और आप देख सकते हो डिफरेंस, देख सकते हो कितना अच्छा डिफरेंस है. और मैंने दोनों आईब्रोज अपने फिल कर लिए हैं. देन मैं इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और ये जो कंसीलर है स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और इसका भी जो कवरेज है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और इस तरीके से जो इसकी स्टिक दी हुई है ना इसको इससे इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है इस तरीके से. एंड मैं अपने आईब्रोज के किनारे किनारे अच्छे से इसको लगा रही हूँ ताकि जो मेरा शेप है जिस तरीके का शेप मैं चाहती हूँ उस तरीके का शेप मुझे मिल जाए काफ़ी अच्छे से. एंड इसी कंसीलर से ना मैं अपना आई बेस भी कंप्लीट कर ले रही हूँ बिकॉज कंसीलर से आई बेस करने में ना जो आपका आई लुक है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है. एंड देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी. और थोड़ा सा टफ होता है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको आईब्रोज वाला जो एरिया होता है ना उसको सेट करना बिकॉज कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं कि आपका पूरा का पूरा लुक पूरा ख़राब हो जाता है. बट प्रैक्टिस होनी चाहिए सारी चीज़ों करने की तो मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसे कर लेती हूँ. और कंसीलर को सेट करने के लिए ना मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक विकी का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसको मैं अपने आईज एरिया पे और फॉरहेड एरिया पे लगाऊंगी ताकि जो मैंने कंसीलर लगाया है वो मेरा अच्छे से सेट हो जाए. सो आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला पैलेट और ये वाला पैलेट मैंने लिया था अमेजोन से ऐसे ही रेंडमली और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ओके है. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें से ट्रांजिशन कलर और बहुत ही हल्का सा कलर लेना है और अपर आईलिड पे इसको मैं ब्लेंड करूँगी, बहुत ही हल्के हल्के से इसको ब्लेंड करूँगी. और बहुत ही थोड़ा सा कलर लिया है ना बट आप देख रहे हो कि मतलब अच्छा खासा कलर ये ड्रॉप कर दिया है, मतलब बहुत ही अच्छा सा कलर ये निकल के आया है. एंड देन मैं ले रही हूँ ये रेडिश ब्राउन कलर और एक एंगल ब्रश की हेल्प से ना मैं अपनी कट क्रीज इस रेडिश ब्राउन जो आई शेडो है ना इससे ड्रॉ करूँगी जिससे आई लुक ना मेरा और भी अच्छा निकल के आए. और इस टेप की हेल्प से ना जो आप अगर अपना कोई सा भी आई लुक क्रिएट करते हो तो आपका आई लुक बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन निकल के आता है, बहुत ही अच्छा निकल के आता है.
और जो रेडिश ब्राउन कलर मैंने लिया था ना, उसको अंदर की तरफ मैं स्मच करूँगी। बाहर की तरफ आपको स्मच नहीं करना, आपको अंदर की तरफ स्मच करना है, तभी आपकी जो कट क्रीज है ना वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगी। एंड देन मैं ये वाला पैलेट, इस वाले पैलेट से जो लाइट ग्रीन मेरे सूट के कलर से एक्चुअली ये कलर थोड़ा सा मैच करता है, तो वो वाला कलर मैंने लिया है, थोड़ा सा लाइट पैरेट ग्रीन कलर है वो लिया है। और इसको ना अपने आउटर एरिया से थोड़ा अंदर की तरफ मैं स्मच कर रही हूँ। एंड बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, एज अ बिगनर अगर आप ये वाला लुक क्रिएट करना चाहते हो ना, तो बहुत ही इजी वे में आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड देन मैंने लिया है ये लाइट गोल्डन शिमरी कलर, और इसे मैं ना आईलिड से इनर की तरफ मैं इसे लगाऊंगी। एंड ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा कलर, ये मतलब मेरा जो आई लुक है ना बहुत ही अच्छा सा निकल के आया है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टे कुकी का पेंसिल आईलाइनर, और आप देख सकते हो इस टेप की हेल्प से ना कितने अच्छे से मैं ये आईलाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ। मतलब बहुत ही इजी हो जाता है टेप की हेल्प से आपका कोई भी आई लुक क्रिएट करना। दिन मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये मस्कारा, और ये डेली यूज़ के लिए ना ये वाला मस्कारा काफ़ी अच्छा है। ये वाटर प्रूफ नहीं है इसीलिए अच्छा है, बिकॉज वाटर प्रूफ मस्कारा अगर आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो ना, तो उससे आपकी आईलैशेस टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर नॉर्मली आप रोज़ आपको मस्कारा अगर यूज़ करना पसंद है, तो आप इस तरीके का बिना वाटर प्रूफ मस्कारा ही यूज़ करें। और यहाँ पर जो भी मेरे फॉल्स आउट हुए थे ना, उसे मैं रिमूव कर ले रही हूँ। और यहाँ पे अगेन मैंने यूज़ किया है स्टे क्यूकी का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए। एंड देन मैं कर रही हूँ कंटोरिंग, और कंटोरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है इनसाइड का 2-in-1 ड्यूल स्टिक, और ये ना क्रीमी टेक्सचर वाले स्टिक है, तो काफ़ी अच्छा है एज अ बिगनर अगर आप यूज़ करना चाहते हो कंटोरिंग, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हो मेकअप प्रोडक्ट में और आप सीख रहे हो, तो ये वाली ना स्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस तरीके से मैं इसे सेट कर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है रॉन्जिल का कॉस्मेटिक का ब्रिक हाइलाइटर, और इसमें जो मेरा शेड है ना, वो मैंने जो लिया है एक्चुअली वो है 04, और ओके है गाइस ये वाला हाइलाइटर। मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में इफ द पॉसिबल मैं लिंक दे दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ओके है, तो इसे मैंने अपने हाइलाइटर एरिया पर लगा लिया एज अ नोज पे एंड आईब्रोज एरिया पे एंड चिक बोन्स पे भी। एंड द नेक्स्ट ब्रश के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये वाला आई शेडो पैलेट, और इसका जो लाइट पिंक कलर है गाइज ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब इतना अच्छा वो ब्लश का काम करता है ना, कि वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ही बन गया है। देन मैंने इनसाइड की 070 नंबर की लिपस्टिक यूज़ की है, एंड देन इनसाइड का ये मेकअप फिक्सर, एंड दिस इज द फाइनल लुक। सो गाइज आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा। सो गर्ल्स ये है फाइनली लुक,
और आपको ये वाला लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस कुर्ती का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो मैंने वेयर किया है इसका हॉल आ चुका है मीशो हॉल, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। और अगर आपको ये वाला लुक पसंद आया है और थोड़ी सी भी आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।